हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी दही चिकन, रोस्टेड दही चिकन। ये मैंने बनाया है। इसे मैं कैसे बनाती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत इजी तरीके से और कम मसाले में बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं मेरी चैनल पर, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसे धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हमने इसे मैरिनेट करना स्टार्ट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऐसा दही लिया है। दही में मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल के अच्छे से दही को मिक्स कर लेना है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन में इसे डाल देना है। दही को चिकन में मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर से सारे मसाले के साथ चिकन को मिक्स कर लेना है। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसे 1/2 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन के सारे पीसेस डाल देना है। चिकन के सारे पीसेस मैंने ऐड कर दिया है और जो बची हुई मैरिनेट किया हुआ जो दही था उसे भी इसमें डाल दिया है। अब लीड लगा के इसे 10 मिनट हम लोग सीम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने लीड को ओपन कर लिया है और ये देखिए, इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। ऊपर से मैंने कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। अब हम लोग इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसे टर्न करते हुए फ्राई करना है। इसे आप जरूर बना के ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।